मायसेल्फ गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 11th के लिए जो अपनी पाठ्य पुस्तक हॉर्नबिल है उसका लेसन 1 पार्ट 1 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को प्रारंभ करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने पाठ्य पुस्तक हॉर्नबिल इसका लेसन 1 को खोलकर बैठें ताकि जब मैं आपको ट्रांसलेशन समझाऊं तो उसका अर्थ अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए आज के इस पार्ट फर्स्ट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पेज क्रमांक 1 यानी पेज क्रमांक 1-2 आपको खोलना है। जो लेसन अपना है उसका पहला प्रश्न और उसके जस्ट बाद का प्रश्न, इसमें पैराग्राफ क्रमांक बताता हूं 1, 2, 3 और 4, 5 लास्ट 5वें पैराग्राफ तक मैंने लिया है, तो आप यहां तक का समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग्स बताता हूं। पोर्ट्रेट ये होता है रूपचित्र, रिंकल छुरियां, मेंटल पीस ताक या चिमनी, ग्रैंड चिल्ड्रन पोते पोती, रिवोल्टिंग विद्रोही, हलचल पैदा करने वाली, एब्सर्ड भद्दा, फेबल्स कथाएं, लूज फिटिंग ढीले ढाले, प्रोफेट्स सिद्ध पुरुष, होवर्ड लंगड़ा कर चलती थी, स्पॉटलेस बेदाग, बैलेंस मीन्स संतुलन, बीड्स ये होते हैं जो माला होती है उसके मद के, रोजरी माला, पुकर्ड फेस झुर्रियों वाला चेहरा, इन एडेबल अश्रवणनीय जो सुना नहीं जा सके, टर्निंग पॉइंट इसका तो निर्णायक बिंदु, एक्सपेंस विस्तार, सेरेनिटी मीन्स शांति, कंटेनमेंट संतुष्टि, कॉन्स्टेंटली लगातार, मोनोटोनस नीरस, अर्थन मिट्टी का, स्टेल बासी जो ठंडी होती है, चोरस जो गाने वाले लोगों का ग्रुप होता है उसको कहते हैं चोरस, स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ, एल्फाबेट वर्णमाला, ग्रोल मिस गुर्राना कंफर्टेबली आरामदायक। ये आपकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। अब मैं इसका आपको ट्रांसलेशन समझाऊंगा, तो प्लीज जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 11th का ये पहला लेसन है जो मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं, तो जिन भैयाओं ने स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नियमित रूप से पाठ आपको मिलता रहेगा और आप इसका लाभ लेते रहेंगे। देखिए अब मैं ट्रांसलेशन समझा जा रहा हूं कि पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, व्हाट इज पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या होता है, रूप चित्रण, एक महिला के रूप का चित्रण यहां पर बताया गया है। जिस महिला का वर्णन किया है इसमें वो महिला एक्चुअल में कैसी थी वो बताया। तो देखिए माई ग्रैंड मदर, क्या बताया इसमें बताइए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी एल्स ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडी एल्स ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ जैसे सभी की दादियां होती है, वाज एन ओल्ड वुमेन एक वृद्ध महिला थी, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, तो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, लगभग 20 वर्ष से वो कैसी थी, वृद्ध और उसके चेहरे पर झुर्रियां मुरझाया हुआ चेहरा था, 20 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। देट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता था मैंने उसे इसी रूप में देखा था। पीपुल सेड
लोग कहते थे दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, वह एक समय बहुत यंग जवान और बहुत सुंदर थी। मेरी दादी माँ जवान थी और बहुत सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और एक पति था यानी कि मेरे दादाजी। बट देट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन देट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना क्या था, कठिन था। इस बात का विश्वास नहीं हो रहा। माई ग्रांड फादर पोर्ट्रेट हंग एबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो चिमनी की जो अंगीठी थी उसके ऊपर ताक होती है, उसमें मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट है, चित्र टंगा हुआ था। कहां पर? चिमनी की अंगीठी के ऊपर जो ताक थी उसके ऊपर मेरे दादाजी का चित्र टंगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. बड़ी पगड़ी पहनते थे, लंबी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े वो पहनते थे। His long white beard, लंबी और सफेद दाढ़ी covered the best part of his chest. उसने सीने के सबसे अच्छे भाग को ढका हुआ था, यानी उसकी दाढ़ी सीने तक आ रही थी। And he looked at least 100 years old, और लगभग कम से कम वो जो दिखाई देते थे उनकी उम्र जो है ना 100 वर्ष की दिखती थी। ऐसा लगते थे मेरे दादाजी की उम्र क्या थी, 100 वर्ष। He did not look the sort of a person, वो ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं दिए who would have a wife और children, जिनके कोई पत्नी होगी या कोई बच्चा होगा। ऐसा नहीं लगता कि मेरे दादाजी की कोई पत्नी थी या कोई बच्चे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था उसके बहुत सारे पोते पोती होंगे, केवल बच्चे बच्ची नहीं बल्कि क्या है, बहुत सारे पोते पोती होंगे। As for my grandmother being young and pretty, क्योंकि मेरी दादी माँ यंग थी और प्रेटी आकर्षक थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी मेरे दादाजी 100 वर्ष से दिखाई देते थे। ऐसा नहीं लगता कि पत्नी और बच्चे होंगे, बल्कि ऐसा दिखाई देते था उसके बहुत सारे नाती पोते होंगे। तो यह विचार एक हलचल पैदा करने वाला था। तो देट द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार एक्चुअल में क्या है, हलचल पैदा करने वाला था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो प्राय हमें खेलों के बारे में बताती थी। शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, मेरी दादी माँ उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो खेला करती थी, उन गेम्स के जो गेम वो खेलती थी। एंड अनडिग्निटाइज ऑन हर पार्ट, और वह क्या करती थी, जब वह छोटी बालिका थी तो क्रियाओं के रूप में सब कुछ बिल्कुल भद्दा सा तथा असम्मानीय सा दिखाई पड़ता था। तो देट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो पूरी तरह से भद्दा लगता था। एंड अनडिस्टिंग्विश्ड ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से अमानवीय। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फीबल्स ऑफ द प्रोफेट, और हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते थे, जैसे कोई पैगंबरों की कथाएं हो जो हमें सुनाया करती थी। दो देट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, पूरी तरह भद्दा लगता था। एंड अनडिस्टिंग्विश्ड ऑन हर पार्ट, बट और वी ट्रीटेड इट, और हम इनके साथ कैसा मानते थे, जैसे ये कोई पैगंबर की या सिद्ध पुरुष की कहानियां थी जो हमें सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट, वे हमेशा छोटी सी मोटी सी एंड स्लाइटली बेंड, वो हल्की सी झुकी हुई रहती थी। छोटी थी
मोटी थी और थोड़ी सी क्या है झुकी हुई थी, कमर से क्या वो झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस और ब्रिंकल्ड, उसके चेहरे पर झुर्रियों का लकीरें थी, क्रिस का लकीरें झुर्रियों जैसी लकीरें पड़ी हुई थी। रनिंग फ्रॉम एवरी वेयर टू एव, सब जगह पर झुर्रियां की लकीरें खींची हुई थी, पूरा चेहरा झुर्रियों से युक्त था। नौ, वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा हम जानते थे वैसी थी, हमें विश्वास था कि वे हमेशा वैसी नहीं थी वे जैसी कि हम उसे जानते थे। ओल्ड वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक वृद्ध, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब और ज्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी, अब उससे ज्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। शी हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वो 20 वर्ष से उसी उम्र पर टिकी हुई थी, उसी स्टेज पर थी, उससे ज्यादा वृद्ध नहीं हो सकी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा कैसी थी, सुंदर, कैसी थी बताइए, हमेशा सुंदर थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस, वे हमेशा घर में लंगड़ा कर चलती थी, क्या थी वो, लंगड़ा कर चलती थी। देखिए, शी ऑलवेज होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट बेदाग सफेद साड़ी में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर एस्ट, उसका एक हाथ हमेशा कमर पर रखा हुआ होता था, रेस्टिंग टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो अपने आप को लड़खड़ा कर घिरे नहीं। एंड अदर, और दूसरा हाथ था टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसका दूसरा हाथ था वो कहता उसकी जो माला थी ना उस पर था, बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो दूसरे हाथ में पूजा की माला फेरते हुए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली, उसका सिल्वर लॉक्स था चांदी जैसे सफेद बालों की चोटी, जो सफेद बालों की चोटी थी वर स्केटर्ड, बिखरी हुई थी अनटाइडली ऑन हर पेल पुकर्ड फेस, मुरझाया हुआ झुर्रियों के चेहरे के ऊपर उसकी चोटी थी ना, उसके बाल चेहरे पर बिखरी हुई थी, ये उसके बाल कैसे थे सफेद, उसकी चोटी उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, चोटी क्या फैली हुई थी। नेक्स्ट, एंड हर लिप्स और उसके होंठ वर स्केटर्डली अनटाइडली, लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, उसके होंठ से लगातार हिल रहे थे, जो ऐसी माला फेर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, जो हमको सुनाई नहीं देता। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह पर पहाड़ों पर एक सर्दी के मैदानों की तरह थी, कि पहाड़ों पर क्या सर्दी के जो मैदान होते हैं वैसे थी, पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर, पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक तस्वीर। आगे दिए, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और सफेद पवित्र शांति का एक विस्तार, ब्रीदिंग फेस, श्वास लेता हुआ, ब्रीदिंग पीस शांति एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि का भाव, संतोष की सांस लेती थी और चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी, ऐसा भाव मेरी माँ दादी माँ के उस पर था। अब आगे देखिए, माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, हमेशा हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ा। When
दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए, रहने के लिए कहां गए वो शहर, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम साथ साथ रहते थे, दादी माँ और मैं दोनों साथ साथ रहते थे, क्यों मेरे माता पिता ने मुझे यहां छोड़ दिया और शहर जाके रहने। She used to wake me up in the morning, वह मुझे प्रातःकाल जल्दी जगाया करती थी, and get me ready for school, और वह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said, उसने वह कहती थी, her morning prayer in a monotonous sing song, तो morning prayer in her monotonous sing song, monotonous sing song क्या होता है, मोनोटोनस का नीरस, गीत के स्वर में वो प्रार्थना करती थी, मंत्र बोलती रहती थी। वाइल शी वाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो वो ही मंत्र बोलती रहती थी गीत के स्वर में। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और मैं भी इसको क्या है सीख जाऊंगा, इसलिए वो बोलती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, राइटर कह रहा है मैं उसकी प्रार्थना को सुनता था, बिकॉज क्योंकि मुझे उसकी आवाज पसंद थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने सीखने के बारे में चिंता नहीं की, केवल सुनता था, सीखने का प्रयास नहीं किया। Then she would fetch me wooden slate, तब वो मेरे लिए लकड़ी की स्लेट लाती थी, which she had already washed, जिसे वो धो चुकी थी, and plastered with yellow chalk, और पीली चौक से उसको प्लास्टर उस पर किया हुआ था। A tiny earthen inkpot, छोटी मिट्टी की स्याही की दवा, and a red pen, और एक लाल पेन लाती थी। टाई देम इन ए बंडल, उन सबको एक गट्ठर में पैक करती थी, बांधती थी, एंड हैंड मी, हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी मेरा सामान, जैसे इंक पॉट, पेन, स्लेट, इन सबको मुझे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, ए यानी मोटी और बासी ठंडी रोटी का ब्रेकफास्ट करने के बाद, और चपाती कैसी थी, ठंडी थी, मोटी थी, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस पर थोड़ा सा घी और चीनी को उसके ऊपर क्या लपेट दिया जाता था। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विद हर, वह अपने साथ अनेक ठंडी रोटियां लेकर चलती थी, फॉर द ब्लैक डॉग, किसके लिए ले जाती थी, गांव के कुत्तों के लिए ठंडी रोटी लेकर जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी, मेरी दादी माँ भी मेरे साथ विद्यालय जाती थी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्यों स्कूल जो था मंदिर के पास था, मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी जो था मंदिर का वो हमें वर्णमाला सिखाता था और सुबह की प्रार्थना भी वो सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेड इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदे के एक तरफ सभी बच्चे कतारों में बैठ जाते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट वर्णमाला गाते थे, और द प्रेयर इन चोरस, और समूह में मिलकर जोर जोर से प्रार्थना वो गीत गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ मंदिर में बैठ जाती थी और धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी, रामायण महाभारत जो भी थे उनको वो बैठी बैठी पढ़ती रहती। When we had both finished, जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता था, we would walk back together, हम वापस साथ साथ घर आते थे, साथ साथ हम घर आते थे। This time,
इस बार द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। जब वो वापस आते थे तो मंदिर के दरवाजे पर हमें कुत्ते वहां पर मिल जाते थे, क्यों आते समय रोटी देती थी ना, तो जाते समय भी उसको रहता था कि कुत्तों को ये रोटी देगी, तो हमें वही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और हमारे पीछे पीछे चलते थे घर के लिए। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से गुर्राते हुए लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक आ जाते थे। कौन आ जाते थे? कुत्ते। फॉर द चपाती वी थ्रो टू देम, उन रोटियों के लिए जिन रोटियों को हम उनके लिए फेंकते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, रहने लग गए, तो दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा लिया। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें क्या किया, हमको भी बुलवा लिया। दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब हमारी दोस्ती में एक निर्णायक बिंदु था। अब यह हमारी दोस्ती के लिए क्या था, एक निर्णायक बिंदु। Although we shared the same room, शहर में भी हम एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus, क्यों मैं बस में बैठकर एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था। पहले गांव का विद्यालय था, अब मैं कहाँ जाता हूँ, एक इंग्लिश स्कूल में, तो मेरी दादी माँ मेरे साथ नहीं जाती। There were no dogs in the streets, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard in our city house, हमारा शहर का जो घर था उसके सामने जो आंगन था मैदान, उसमें वो गोरैयों को क्या है वो दाना चुगाती थी। तो यहां पर आकर हमारी दोस्ती का एक निर्णायक बिंदु बना। इस जगह पर आकर मेरा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले एक बात कहूंगा कि प्रतिदिन सभी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल को देखें। प्रतिदिन आपको एक पार्ट का कोई पार्ट मिलता रहेगा जो आपको पढ़ाता रहूंगा, ताकि आपको लाभ मिलेगा। मेरा वीडियो नियमित देखें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।